हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टिंकू मनोविश ब्लॉग में भी सभी का स्वागत है एक नई सुबह के साथ। और अभी हो गए हैं 8:50 और मैंने झाड़ू मार दिया, चाय चूय पी ली। तो आज चाचा ससुर के 10 हो गए, तो आज हमें घर की सफाई करनी होती है, मतलब कि कपड़े हपड़े ये पोछा होचा सब कुछ। अच्छा, तो मैंने झाड़ू तो मार दिया, अब मैं मारती हूँ पोछा, उसके बाद करती हूँ लिपाई। तो मिलती हूँ मैं तब आपसे। तो ये देखिए, मैंने सारी बर्तन पानी के खाली कर दिए हैं और अब मैं मारूँगी यहाँ पोछा अंदर भी। मौसम भी अच्छा है आज, तो मिलती हूँ मैं आप। तो अब मैं मारती हूँ पोछा और पूरे घर की हम करती हूँ पोछा। मिलती हूँ मैं आप सब पोछा करते हुए। तो मैंने मार लिया पोछा, ये देखिए अंदर भी। मैं इस चादर और इस कंबल को धो लेती हूँ, भिगाने डाल लेती हूँ, उनको धो लेती हूँ। अब तो मैंने कंबल और चादर पानी में भिगाने डाल दिए, देखिए। तो मैंने चादर कंबल सारे भिगाने डाल दिए। अब मैं करती हूँ हर होगी मेरी यहाँ की लिपाई। ये है मिट्टी, मिट्टी डाल के इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये है मिट्टी और गोबर, इस एक कपड़े से ऐसे हम लिपाई करते हैं, इसकी लिपाई करके बोलते कि स्वच्छ माना जाता है। तब लिपाई करके तभी खाना बनता है, स्वच्छ अच्छा बनता है। तो मैंने लिपाई कर दी है, मेरी होगी लिपाई। तो मेरे हो रहे कपड़ों की धुलाई, चादर और कंबल सब बता दी उधर दे रहे हैं। तो फाइनली मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और बहुत भीग भी गई मैं। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े, ये हैं सुबह सेट के कवर और तकिया के कवर और चादर। ये है चादर, ये है कंबल, ये कंबल और चादर धो लिए मैंने। ये भी, ये कंबल चादर। तो आज मैंने इतने कपड़े धो लिए। सासू जी भी आ गए, वो नहा रहे हैं, उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ। कपड़े वपड़े मैं धोली, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा लूँगी, देखिए। और अब बनाएंगे हम चाय, और टाइम हो 11 बज गए। तो मैं, तो मैंने भर लिया पानी और यह है गजरे में पानी, पानी भर लिया मैंने। तो मैं यहीं पर रखूँगी, बनाती हूँ मैं चाय। तो आ जाए चाय के लिए, हम बनाते हैं। तो दो गिलास चाय बनाऊंगी मैं और सासू जी के लिए, ससुर जी नीचे जा रहे थे। तो यह है चाय पत्ती, डालूंगी मैं चीनी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अदरक क्योंकि आज का ठंड पता नहीं, अदरक खाना चाहिए चाहिए। ये है दूध, ये चाय भी उबल गई, मैं इसमें डालती हूँ दूध। तो मैंने दूध भी डाल दिया, ये सासू जी के लिए। और जा रहे मैं घास के लिए, ऊपर को घास से ऊपर। तो चलो घास लेके आती हूँ मैं थोड़ा सा, तो मिलते आपसे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा कोपेश्वर भी दिख रहा, जैसे
और यहाँ आंवले बहुत सारे होते हैं। यहाँ आंवले देखिए कितने आंवले लगे हैं पेड़ में, बहुत सारे आंवले होते हैं यहाँ। आंवले देखिए, तो मैं बना रही पत्ते वाली घास, तो घास बना के मिलते मैं आप लोगों से। ओह, मैंने घास बना लिया यहाँ ऊपर से, और ये लगा लिया मैंने रस्सी पे घास। ये देखिए रस्सी पे घास लगा दिया, और धूप भी अच्छी है और टाइम भी हो गया है, 1 बजने वाली है, अभी 12:57 हो रहा है, बजने वाली 1। मैं जाती हूँ घर, तो यहाँ से रास्ता लंबा है, चलते हैं घर। तो मैं घास आ गई, मैंने गाय को घास दे दिया, अब मैं थोड़े वही चाय पीती हूँ, उसके बाद मैंने खाना खाने जाना है नीचे चाचे लोगों के। तो अब जा रही मैं भात खाने, तो मिलती हूँ आपको भात खा के। तो मैं खाना खाना खा के आ गई नीचे से, बर्तन भी धुल जाए, नहा बैठूँ मैं भी, थोड़ा दूर सेकूँगी, बस धूप लगी अभी अच्छी सी, टाइम भी हो गया है 3:30। तो हमने धूप से चाय चूवी पी ली, और मैंने गिलास गुलास भी धो लिया, और 4 बज गए 4:30, धूप भी जाने वाली है, थोड़ा थोड़ा रह की धूप जाने वाली है, थोड़ा धूप सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो धूप भी पहाड़ों में चली गई है, 4 बजने वाले हैं, अंधेरा तो 5 बजे होता है, 1 घंटे में अंधेरा होने वाला है, तब तक धूप सेकते हैं। ये होती है बीमल, जिसको हम भिंकू कहते हैं, या कोई कोई लोग शो भी बोलते हैं। पहले लोग जैसे इसको खाते तो इसका ये होता ना तना, तो इसको कतीरे में भिगाने के लिए, उसके बाद रस्सी बनाने के लिए काम आते थे, जैसे रस्सी चूड़ा पिलूड़ इसकी भिगा के होता था, इसको भिगा के कूट के और इसको देते हैं गाय के लिए। आजकल हरा नहीं रहता, यहाँ यही रहता हरा, ये देखिए या ये होगा या तिमला होगा, और या ये भीमल होगा, तो इसको गायों के लिए देने के लिए होता है ये, तो इसे दूध देते हैं हरा है, उसमें आजकल तो सूखे हो जाते हैं, तो ये पेड़ होंगे जो हरे होंगे, तो पत्ते तो हम इनको गाय के लिए देंगे। मैंने काट लिया है भीमल, ये देखिए मैंने इसको काट लिया, और टाइम भी हो गया है 4:30-5 बजने, अभी 4:30 हो रही, तो 5 बजे तक दूध निकालेंगे। मैंने ये काट दिया, चाहती हूँ मैं घोस उधर ही पे घर के यहाँ बाहर के मैं नज़दीक पे, दूर नहीं गई उतना, तो मैं तो आगे भीमल काट के अब मैं इन तकियों पे कवर चढ़ाऊँगी, ये चादर भी चाहूँगी, और मैंने आज सारे ये पर्दे पुर्दे धो रखे थे वो सूख गए, उनको भी मैं लगाऊँगी अच्छे से, और तब तक अंधेरे भी हो जाता है, क्योंकि 4:30 तो हो ही गए हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है आजकल, जल्दी अंधेरा हो जाता है आजकल 5 बजे। हाँ, तो उसके बाद सासू जी जा रखे दुकान, तब वो निकालेंगे दूध, तब तक मैं इनको अच्छे से करती हूँ, उसके बाद खाना पीना सब जाएंगे, और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं कल नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ, तो तब मेरे साथ बने रही, और ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा तभी तो मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाऊँगी वीडियो, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलती हूँ मैं कल, गुड नाइट, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।